आपकी आवाज। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 370 पर फैसला, केंद्र सरकार का निर्णय रहेगा बरकरार। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 पर फैसला लेने का अधिकार। सीजेआई ने कहा आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, विलय के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रहेगा। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक कराए जाएं चुनाव, जल्द बहाल हो राज्य का दर्जा। सीजेआई ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, वहां भारत का संविधान चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र के हर फैसले को नहीं दी जा सकती है चुनौती, इससे फैल सकती है अराजकता। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के फैसले को बताया सही, लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी की पोस्ट, लिखा आज के फैसले से उम्मीद जगती है, मजबूत और एकता से भरपूर नया जम्मू कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा आर्टिकल 370 पर दिए फैसले का बीजेपी करती है स्वागत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुलाम नबी आजाद ने जताया अफसोस, कहा बुनियादी तौर पर अनुच्छेद 370 खत्म करना था गलत, लेकिन फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। अधीर रंजन चौधरी ने किया फैसले का स्वागत, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे सरकार। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा अब स्पष्ट जो कुछ भी हुआ संवैधानिक तौर पर वैध। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर अब्दुल्ला की पोस्ट, लिखा निराश हूं लेकिन हताश नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के नेताओं को नजरबंद करने के दावे को एलजी मनोज सिन्हा ने नकारा, कहा यह सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश। श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी की गई, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अलर्ट। मध्य प्रदेश में आज होगा नए सीएम के नाम का ऐलान, शाम करीब 4 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। भोपाल में मंच पर लगे बीजेपी के पोस्टर, पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और वीडी शर्मा के फोटोज तक लगाए गए। मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला। सीएम पद की दौड़ में शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है शामिल। दमोह में सीएम फेस पर बोले प्रहलाद पटेल, पार्टी ने उन्हें बताने के लिए नहीं कहा है इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी पर्यवेक्षक के लक्ष्मण का बयान, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर की 3 सदस्यीय कमेटी, विधायकों से करेगी चर्चा, बाद में आलाकमान लेगा फैसला। भोपाल पहुंचे बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक, मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा का प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया स्वागत। विधायक दल की बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले कैलाश विजयवर्गीय, सीएम हाउस में दोनों के बीच मुलाकात। छत्तीसगढ़ में नए सीएम होंगे विष्णु देव साय, गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रायपुर के श्रीराम मंदिर पहुंचे छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णु देव साय, पूजा पाठ कर आशीर्वाद लिया। अरुण साव और विजय शर्मा होंगे डेप्यूटी सीएम, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह बनाए जा सकते हैं स्पीकर, सूत्रों के हवाले से खबर। छत्तीसगढ़ में 12 या 13 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह, ऑब्जर्वर दुष्यंत गौतम ने दी जानकारी। इंडिया टीवी को दिए पहले इंटरव्यू में विष्णुदेव साय ने कहा पीएम के विश्वास पर खरा उतरूंगा। विष्णुदेव साय ने जनता को भरोसा दिया, कहा सभी वादों को पूरा करेंगे, पहला काम 18 लाख लोगों को आवास देना। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी आदिवासियों की चिंता करती है, कांग्रेस ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ने विष्णुदेव साय को दी बधाई, न्याय और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। पूर्व डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव ने जताई उम्मीद, कहा विकास में जो क्षेत्र पीछे छूट गए हैं सीएम उसको प्राथमिकता देंगे। विष्णुदेव साय की मां ने जताई खुशी, कहा मेरे बेटे को जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता रेणुका सिंह ने कहा पहली बार एक आदिवासी को सीएम बनाया गया है, बहुत खुशी की बात है। विष्णुदेव साय को सीएम बनाए जाने पर झूमे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, जमकर हुई आतिशबाजी। जयपुर में कल सुबह 10:30 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, राजनाथ सिंह समेत तीनों ऑब्जर्वर्स रहेंगे मौजूद। जयपुर में बोले किरोड़ी लाल मीणा, मैं सीएम की रेस में नहीं, विधायकों की राय से घोषित किया जाएगा सीएम का नाम। जयपुर में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफा का पलटवार, कांग्रेस को सीएम तय करने में लगे थे 16 दिन। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसदों ने किया सुबह प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद धीरज साहू कैशकांड को लेकर पोस्टर लहराए। मुंबई में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद धीरज साहू को गिरफ्तार करने की मांग। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट, दी श्रद्धांजलि, लिखा हमारी बातचीत हमेशा समृद्ध रही। मध्य प्रदेश बीजेपी चीफ वीडी शर्मा ने कहा विधानसभा चुनावों के रिजल्ट से साफ हुआ 2024 में फुल मेजॉरिटी में से पीएम बनेंगे मोदी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 9 ठिकानों पर आईटी की रेड जारी, रांची वाले घर में कैश की गिनती जारी, बाकी जगहों पर काउंटिंग पूरी हुई। धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 355 करोड़ रुपए बरामद, छापेमारी पूरे होने के बाद सांसद और उनके सहयोगियों से होगी पूछताछ। 5 दिनों में 176 बैगों का कैश गिना गया, 3 बैंकों के कर्मचारियों को लगाना पड़ा, 40 से ज्यादा मशीनों की मदद से गिनती की गई।
बलांगीर में बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में आयकर विभाग ने पांचवें दिन मारा छापा। 176 बैगों से भरे नोटों की गिनती पूरी की। गृहमंत्री अमित शाह का निशाना, कहा धीरज साहू के यहाँ करोड़ों रुपए बरामद हुए, इंडिया अलायंस खामोश है। अमित शाह ने कहा, अब समझ आया पूरा विपक्ष जांच एजेंसियों को क्यों बदनाम कर रहा है, उन्हें डर है भ्रष्टाचार उजागर ना हो जाए। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया, कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, धीरज साहू के अपने व्यवसाय हैं। धीरज साहू मामले पर बोले अधीर रंजन चौधरी, पैसा किसका कहां से आया, सरकार कराए जांच, ये एक परिवार का मामला, कांग्रेस का कोई संबंध नहीं। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, धीरज साहू और उनके परिवार का बड़ा कारोबार, पैसा किसे परिपेक्ष का होना चाहिए स्पष्ट। रांची में कांग्रेस नेता अविनाश पांडे बोले, धीरज साहू का निजी मामला, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। धीरज साहू कैश कांड पर अखिलेश यादव की पोस्ट, लिखा इतना कैश बरामद हुआ, बीजेपी सरकार नोटबंदी की नाकामी का स्मारक बनवाए। धीरज साहू पर निशिकांत दुबे की पोस्ट, आजादी के बाद किसी जांच में मिला सबसे ज्यादा कैश, पहले 183 करोड़ था रिकॉर्ड। निशिकांत दुबे ने कहा, अभी तक धीरज साहू को पार्टी से नहीं निकाला गया, हो सकता है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए साहू के पास रखा हो पैसा। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी का बड़ा बयान, जल्द गिर सकती है सरकार, कांग्रेस का एक मंत्री 50-60 एमएलए के साथ बीजेपी में हो सकता है शामिल। भुवनेश्वर में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार जुटा रही है महिलाओं को, महिला संगठन कर रहा है काम। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के पीटीआई ऑफिस विजिट पर की पोस्ट, लिखा पीटीआई दौरे में अपने हथियार स्वप्रचार को भूल गए। नागपुर में विपक्षी विधायकों का विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन, प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के फैसले का विरोध। प्याज एक्सपोर्ट पर बैन को लेकर बोले महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, केंद्र सरकार से करेंगे बात, मंत्री पीयूष गोयल से कर चुके हैं बात। दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की होगी बैठक, सीट शेयरिंग रैली और कॉमन एजेंडे पर बैठक में होगी चर्चा। तेलंगाना में अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के विरोध पर कपिल सिब्बल ने कहा, बीजेपी की नफरत देख हैरानी, किस तरफ जा रहा देश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, मोदी की गारंटी का मतलब है वंचितों को योजनाओं का लाभ दिलाना। राम मंदिर पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक कदम में राम मंदिर बना हकीकत, 22 जनवरी को पूरे देश को इंतजार। कानपुर में पुलिस का स्पेशल अभियान, धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर हटवाएं, पुलिस के आला अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को छठी बार ईडी का समन, 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की, गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बिहार में जातिवार जनगणना पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, अगर केंद्र को मतभेद तो देश स्तर पर करा लें सामाजिक आर्थिक गणना। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उठाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, कहा हम अपना हक लेकर रहेंगे। बीएसपी चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बनाया उत्तराधिकारी, पार्टी नेता उदयवीर सिंह ने दी जानकारी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई बसपा की नई लीडरशिप बीजेपी से दूरी बनाकर रखेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत के काफिले पर अज्ञात शख्स ने चप्पलों से भरा थैला फेंका, महाराष्ट्र के सोलापुर की घटना। आरबीआई ने राजस्थान के चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी को भेजा नोटिस, लिमिट से ज्यादा कर्ज न लेने की चेतावनी दी, कर्ज के दलदल में फंसा है राजस्थान। गहलोत सरकार ने पिछली 3 तिमाही में लिमिट से ज्यादा लोन लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, 1076 नंबर डायल करने पर सरकारी कर्मचारी घर आएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, विधायक चेकिंग करेंगे कि इस स्कीम का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। देहरादून में विकास पुस्तिका सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं सभी विभाग के कर्मचारियों को बधाई देता हूं, पुस्तिका के जरिए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दुर्गापुर के एक स्थानीय बाजार का दौरा किया, लोगों से बात भी की। दौसा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मेहंदीपुर बालाजी धाम में पूजा अर्चना की, देश की खुशहाली के लिए कामना की। 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचकर चिनार कॉर्प्स के अधिकारी, घायल पुलिस जवान हाफिज जहमत का हाल जानने पहुंचे। बेमिना में आतंकवादियों ने हमला किया था, उस दौरान गोली लगी थी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में इनामी नक्सली गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपए का इनाम। गोगामेड़ी मर्डर में खुलासा, गैंगस्टर रोहित गोदारा के कहने पर वीरेंद्र चौहान ने हथियार और शूटर का इंतजाम करवाया। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज में दिखे शूटर नितिन और रोहित, सुबह 4:15 बजे के बाद हिसार के लिए पकड़ी थी ट्रेन। उड़ीसा के बलांगीर में आईटी रेड का वीडियो आया सामने, कैश से पूरी तरह से भरी दिखी अलमारी।
मुंबई में बोरीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मिक्सर ट्रक में लगी आग, देखते ही देखते आग के गोले में ट्रक हुआ तब्दील। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की झाला की जांच जारी। कानपुर के हटिया बर्तन बाजार में एक युवक ने अपने साथी की चाकू मारकर हत्या की। गाजियाबाद के एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक स्कूली बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नासिक में शिवशाही एसटी बस में आग लगी, सभी यात्री और ड्राइवर सुरक्षित। बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिकअप वैन और ट्रैक्टर की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 35 घायल। चेन्नई के पास चेंगलपट्टू में मालगाड़ी डीरेल हुई, 5 कोच पटरी से उतरे, ट्रैक साफ करने में जुटे रेल कर्मचारी। असम के लखीमपुर में हादसा, एम्बुलेंस में आग लगी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। हमास बोला बंधकों की हत्या कर देंगे, 24 घंटे में 300 फिलिस्तीनियों की मौत। इसराइल का दावा, जंग में 7,000 आतंकवादी मारे गए। इसराइल सैन्य प्रवक्ता का दावा, गाजा पट्टी में दर्जनों हमास के मेंबर्स ने सरेंडर किया, पूछताछ के लिए बंधक बनाकर रखा गया। हमास की अल कासम ब्रिगेड ने साउथ गाजा में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया, खान यूनिस के बाहरी इलाकों में हमला किया। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हमास के लिए अंत की शुरुआत, सरेंडर कर दे हमास के आतंकी। हमास की कैद में 25 साल की इजरायली युवक सहर बारूच की मौत, मृतक के छोटे भाई इदान को भी हमास ने 7 अक्टूबर को मार डाला था। गाजा में हमास आतंकवादियों ने नागरिकों को पीटा, इंटरनेशनल संगठनों से आई राहत सामग्री भी लूटी। इसराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए, साउथ इलाके के कई शहरों में बम के गोले गिराए, शहरों के बाहरी इलाकों को भी निशाना बनाया। इसराइल हमास जंग को लेकर इस्तांबुल में मार्च निकाला गया, प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यहूदियों के समर्थन में मार्च निकाला गया, यूरोप में बड़ी यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। टेल अवीव में इकट्ठा हुए हजारों इजरायली, गाजा पट्टी में हमास की कैद में बंद लोगों की रिहाई की मांग की। गाजा में हमास की कैद से लौटे बच्चों में अभी भी दिख रहा है डर, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं बच्चे। इसराइल की कैद से आजाद हुए फिलिस्तीनियों का बयान, सैनिकों ने पूछताछ के दौरान पीटा, जानवरों की तरह बर्ताव किया। जेवियर माइली ने संभाला अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पद, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए दुनिया भर के कई नेता। अपने संबोधन में बोले माइली, अर्जेंटीना के लिए एक नए युग की शुरुआत है, हम पुनर्निर्माण की राह पर चलेंगे। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अमेरिका दौरे पर पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर, तालिबान के साथ पाकिस्तान के खराब संबंधों के बीच यात्रा। ब्राजील के मोसियो में पेट्रोकेमिकल कंपनी ब्रास्कम की सॉल्ट माइन ढही, ड्रोन वीडियो में दिखी धंसी हुई जमीन और गंदा पानी। अमेरिका के मध्य टेनेसी में भीषण तूफान का कहर, 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। युद्ध के बीच यूक्रेन के कीव में की जा रही क्रिसमस की तैयारियां, बलिदान देने वालों को भी याद कर रहे हैं लोग। आखिरी T20 मैच जीतकर भारत महिला टीम ने दिल जीता, इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने दिया था 127 रनों का लक्ष्य, भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। स्मृति मंधाना ने बनाए 48 रन। श्रेयांका पाटिल और सैका इशाक ने की शानदार गेंदबाजी, दोनों ने 3-3 विकेट चटके, श्रेयांका बनी प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से पहले ही अपने कब्जे में कर ली थी। सीरीज का आखिरी मैच भारत ने जीता। दिल्ली में प्रदूषण से नहीं मिल रही है राहत, AQI बेहद खराब स्तर पर दर्ज हुआ, आसमान में पॉल्यूशन की धुंध छाई। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे बंद, लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर आए पत्थर, हाईवे करना पड़ा बंद। चेन्नई में चक्रवात के बाद धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात, 1 सप्ताह बाद आज खुले स्कूल और कॉलेज। तमिलनाडु के 25 मछुआरों को श्रीलंकन नेवी ने पकड़ा, मछुआरों के वोट भी जब्त किए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौजवान क्लब की पहल, युवाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। कानपुर में जेल अधिकारियों की पहल, कैदियों ने शुरू की कैंटीन, लोगों ने घरों तक पहुंचाया भोजन। कैप्टन फातिमा वसीम ने रचा इतिहास, सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशनल पोस्ट पर की तैनाती, बनी पहली महिला मेडिकल ऑफिसर। पुणे ने 2 धागे श्री राम के नाम अभियान की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिया हिस्सा, रामलला के पोशाक हो रहे हैं तैयार। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से श्री राम पद यात्रा शुरू हुई, 41 दिनों में 635 किलोमीटर का सफर कर पहुंचेगी अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवा झंडों की बिक्री बढ़ी, श्री राम और हनुमान पताका खरीद रहे हैं लोग।